हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए फ्रिक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पे छोड़े थे फ्रिक्शन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ रिपोज से। स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज से। मान लीजिए मैं एक इंक्लाइंड प्लेन लेता हूं और यहां पर एक ब्लॉक रख देता हूं जिसका मास है m। ठीक है, इस एंगल को ले लेता हूं मैं एंगल अल्फा। क्या ले लेता हूं? अल्फा। अब देखो ध्यान से, अगर ये इंक्लिनेशन कम होगा, अगर ये इंक्लिनेशन कम होगा तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे। जैसे जैसे मैं इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करूंगा, ब्लॉक क्या होना स्टार्ट करेगा? स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। जिसके ऊपर ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, सपोज करो ये इंक्लिनेशन पहले इतना ही था, सिर्फ यहां तक का, तब ब्लॉक रखूंगा इसके ऊपर तो स्लाइड नहीं हुआ। थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, देखा मैंने अब भी ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ। थोड़ा और इंक्रीज किया, देखा अब भी ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ। अब जब मैंने अल्फा एंगल तक इंक्रीज कर दिया तो मैं देखता हूं, जब मैं अल्फा एंगल तक इंक्रीज किया, अब मैं देखता हूं, ये पाता हूं कि ये ब्लॉक जो है वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। क्या है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब अगर मैं इस एंगल को अल्फा से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊंगा, अगर इस एंगल को मैं अल्फा से थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दूंगा तो ब्लॉक क्या होने लगेगा? इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड होने लगेगा। इस अल्फा एंगल पे स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं, मगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। कौन सा सिचुएशन है ये? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब देखो, अगर ब्लॉक स्लाइड होगा, अगर ब्लॉक स्लाइड होगा तो किस डायरेक्शन में स्लाइड होगा? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ब्लॉक आपका स्लाइड होना चालू करेगा। अब देखिए, अगर ब्लॉक का मास m है तो इसके ऊपर यहां क्या लगेगा? नीचे की तरफ mg, और इस सरफेस से नॉर्मल बनता हुआ, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाता हुआ ये क्या लग जाएगा हमारा? यहां पे क्या हो जाएगा? n। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। और यहां पे इस साइड इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? mg sin अल्फा। कितना आ जाएगा? mg sin अल्फा। और अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर ब्लॉक की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने लगती है तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है हमारा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता। लेकिन मैंने क्या कहा कि ब्लॉक अभी स्लाइड होना स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट वो पॉइंट आया है जिसके बाद फर्दर कोई भी इंक्रीज इन एंगल ब्लॉक को स्लाइड करवाना चालू कर देगा। मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई होगी? मैक्सिमम। और इसी चीज को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं? अभी फ्रिक्शन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा होगा। या तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लो या तो क्या बोल लो? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो। हो जाएगा हमारा mg sin अल्फा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा? mg cos अल्फा। देखो mg cos अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मोशन नहीं हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो n इक्वल्स टू क्या हो रहा होगा? mg cos अल्फा। अभी तो हमारा मोशन इंक्लाइंड प्लेन के अराउंड भी नहीं हो रहा है, तभी तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है? Fs मैक्सिमम, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जस्ट अबाउट टू मोशन है लेकिन मोशन हुआ नहीं है। इसका मतलब कि जो Fs होगा वो भी किसके बराबर होना चाहिए? आपका mg sin अल्फा के। मान लो ये इक्वेशन 1 ले लूं और ये इक्वेशन 2 ले लूं, और अब मैं इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? mg sin अल्फा divided by mg cos alpha is equals to क्या हो जाएगा? fs upon fs max, क्योंकि ये maximum value of static friction है, fs max upon क्या हो जाएगा? n। यहाँ से mg कट गया, sin alpha upon cos alpha कितना हो जाएगा बेटे? tan alpha equals to क्या हो जाएगा? fs max upon n। और एक चीज याद रखो, और एक चीज कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लिखते हैं कि जो fs max होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? r के, जो नॉर्मल रिएक्शन r होता है उससे प्रोपोर्शनल होता है। कुछ बुक्स में r मिलेगा, यहाँ पे मैंने कितना लिखा है? n। तो ले लेते हैं किसके प्रोपोर्शनल होगा? n के। फिर हम क्या लिखते हैं कि fs max इज इक्वल्स टू क्या होता है? μs टाइम्स ऑफ n।
तो एफ एस मैक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू एस, और म्यू एस को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से क्या दिख रहा है हमको कि टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस के। टेन अल्फा भी किसके बराबर हो गया, म्यू एस के, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर हो जाता है, आपके कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, क्या, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, देखिए हम यहां तक आए तो अब वर्क डन की बात कर लेते हैं, वर्क डन की भी बात कर लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक अप, वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक अपवर्ड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो क्या होगा इसमें, मान लो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, और इसके ऊपर एक मास रख देते हैं हम, एक ब्लॉक रख देते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास एम, ठीक। तो नीचे क्या लग रहा होगा बच्चे, यहां से नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। इस सरफेस पे क्या ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल रिएक्शन एम एल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया क्यों होगा। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ध्यान से देखते जाओ, अब अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है, देखो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है, मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ F, और ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर फोर्स F इस तरफ लग रही है तो ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है अब, तो जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, F काइनेटिक होगा। अगर ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, अगर ब्लॉक F अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू, F को क्या होना पड़ेगा, mg sin थीटा प्लस fk के बराबर। तो यहां से मैं F equals to क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं F equals to क्या लिख सकता हूँ, mg sin theta plus fk। fk को और क्या लिखा जा सकता है, मेरे को लगता है कि हम fk को लिख सकते हैं mu k into n, हम इसको क्या लिख सकते हैं, mu k into n। और देखो F is equals to और क्या लिखा जा सकता है, mg sin theta plus mu k into n। देखो किससे बैलेंस हो रहा है, क्योंकि अपवर्ड मोशन तो हो नहीं रहा है इसका, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mg cos theta, मतलब ये ब्लॉक के इंक्लाइंड प्लेन से उछल जा रहा है, नहीं ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन से नहीं उछल रहा है, इसलिए mg cos theta किसको बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल को, मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन से चिपक के चल रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब n किसके बराबर हो रहा होगा, mg cos theta के बराबर हो रहा होगा। तो यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, f equals to क्या हो जाएगा, mg sin theta plus म्यू के एम जी कॉस थीटा। अगर मैं यहां से एम जी कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ। अब वर्क डन क्या होता है, अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स कितनी आ गई आपकी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, और मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है S, तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg sin theta plus mu k cos theta into S। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सेम चीज को देखते हुए हमको अगर ये करना हो, वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक डाउनवर्ड्स, इन मूविंग द ब्लॉक डाउनवर्ड्स downwards
on an inclined plane, moving the block downwards on an inclined plane. तब देखो क्या हो रहा होगा कि अगर ब्लॉक को डाउनवर्ड्स मूव कराना है तो मान लीजिए मेरा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा है. यहां पर मैं एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूं जिसका मास m है. तो mg कहां लगेगा? नीचे इस सरफेस पे. क्या ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा. ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? mg cos थीटा. और ये यहां कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा आपका? mg sin थीटा. अब देखो अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है. अब अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में. अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि मोशन हो रहा है, क्योंकि मोशन हो रहा है तो ये जो F होगी ये F के से क्या होगी? बड़ी होगी. और दूसरी चीज, मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किस टाइप की होगी? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी. क्योंकि क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों बॉडी के बीच में. ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर. ठीक है, तो इससे हम यहां से देख करके क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो देखो ऊपर क्या लग रहा है हमारा एफ के, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, नीचे लग रहा है आपका एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. माइनस क्या लग रहा होगा आपका इसके अगेंस्ट, क्या लग रहा है? एफ काइनेटिक. और मिल क्या रहा है मेरे को, रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है मेरा? एफ. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एम जी साइन थीटा माइनस एफ काइनेटिक के बदले फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू म्यू के इक्वल्स टू एफ. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के. एन को देखो फिर कौन बैलेंस कर रहा है यहां से? एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ. एम जी को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? एफ. अब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स आपकी कितनी आ गई? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका एस है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस. कब? जब ब्लॉक कैसा मूव कर रहा होगा? डाउनवर्ड्स मूव कर रहा होगा. ठीक है, आपसे कह दे कि एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स या ब्लॉक वर्क डन मूविंग ऑफ ब्लॉक डन. तो आपसे अगर पूछ ले एक्सेलरेशन व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो आप? देखो फोर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या रखा हुआ है? एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. तो फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए. ये क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. तो यहां से m और m क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट. तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. ठीक है, अब अगर इस इंक्लिनेशन को मैं इंक्रीज करके, अगर मैं इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करके 90 डिग्री तक लेके जाऊं, अगर मान लो इफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए? 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो देखो क्या होगा. तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g sin 90 माइनस म्यू के cos 90. उस केस में होगा क्या? देखो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, तो क्या हो जाएगा? g sin 90 हो जाएगा आपका 1 माइनस म्यू के cos 90 कितना हो जाएगा? 0. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? a इक्वल्स टू g. मतलब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी? बॉडी विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. अगर इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करके, अगर मैं इस इंक्लिनेशन को इंक्रीज करके 90 डिग्री पे ले आऊं तो a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g के बराबर आ जाएगी. अच्छा सोचो तब क्या होता होगा कि अगर इंक्लिनेशन को मैं कितना कर दूं? 0 कर दूं. अगर इंक्लिनेशन को मैं 0 कर दूंगा तो अब आपको क्या मिलेगा? आपका ये जो साइन वाला कंपोनेंट हो क्या हो जाएगा? 0. तो फिर a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? म्यू के इनटू g cos थीटा.
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेस्ड इन टॉपिक्स पे, फ्रिक्शन पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स नीट और जेई के अंदर आए हुए हैं. ठीक है, थैंक यू.